टेली Help वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में आप टेली प्राइम में इनवॉइस बनाते हुए GST की गणना खुद ब खुद न हो पाने वाली समस्या को हल करना सीखेंगे टेली प्राइम रिलीज 3.0 और उसके बाद की रिलीज आपकी सभी GST आवश्यकताओं को प्रबंधित करने के लिए एक सरल अनुभव प्रदान करती है लेजर, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप या कंपनी में जी से संबंधित जानकारी प्रदान करने की छूट से आप ये सुनिश्चित कर सकते हो कि इन में जी की गणना खुद ब खुद हो जाएगी हालांकि कुछ परिदृश्य ऐसे हैं जिनमें जी की गणना स्वचालित रूप से नहीं होती है या गलत तरीके से गणना हो जाती है पहला परिदृश्य वाउचर में जीएसटी के विवरण के सोर्स या मास्टर के कारण होता है मान लीजिए कि आपने जीएसटी रेट लेचर में प्रदान किया है और उस लेजर का उपयोग वाउचर क्रिएशन के समय किया है वही दूसरी ओर आप स्टॉक आइटम मास्टर में प्रदान किए हुए जीएसटी रेट को अमल करना चाहते हैं। ऐसे मामलों में अपेक्षित जीएसटी की राशि और वाउचर में गणित राशि में अंतर होता है क्योंकि जीएसटी रेट को लेज़र में से अमल किया गया है यदि आप जानना चाहते हैं कि जीएसटी के विवरण को अलग मास्टर्स में कैसे प्रदान करते हैं और किस पदानुक्रम पर आधारित जीएसटी रेट्स को वाउचर क्रिएशन के समय अमल किया जाता है आप हमारा वीडियो हाउ टू सेट अप जीएसटी रेट डिटेल्स एट डिफरेंट लेवल्स इन टाली प्राइम देख सकते हैं वाउच और ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में टैक्स एनालिसिस देखने के लिए ऑल्ट ए दबाए दबाए जैसा कि आप देख रहे हैं जीएसटी रेट के विवरण का सोर्स सेल्स खाता बही है चलिए एक ऐसे कॉमन सेल्स लेजर का उपयोग करते हैं जिसमें केवल जीएसटी सक्षम किया हुआ है हालांकि आपने एच या जी दर विवरण निर्दिष्ट नहीं किया है सही जी राशि की गणना की जाती है टैक्स एनालिसिस देखने के लिए ऑल्ट ए दबाएफ फाइव दबाए और आप देख सकते हैं कि जी दर विवरण का सोर्स स्टॉक आइटम मास्टर है अब प्लेस ऑफ सप्लाई और जी एस वाला मामला देखते हैं टेली प्राइम पार्टी लेजर में उपलब्ध विवरण के अनुसार प्लेस ऑफ सप्लाई सुनिश्चित करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ये तय करता है कि ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई वो स्थान है जहां खरीदार का व्यवसाय स्थित है आप देख सकते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटक है क्योंकि खरीदार भी कर्नाटक से है इस मामले में एस और सी अदा किए जाते हैं न कि आई जी एस टी यहाँ आप देख सकते हैं कि आई जी एस टी लेजर चयनित है इसलिए जी एस टी राशि की गणना नहीं की जाती है चलिए आई जी एस टी के लेजर को निकालकर कर एस जी एस टी और सी जी एस टी को चुनते हैं जी एस टी राशि की गणना की जाती है एक अन्य मामले में गलत गणना तब होती है जब दर को टैक्सेस एंड ड्यूटीज के अंतर्गत बनाए खाता बही में दर्ज किया जाता है मान लीजिए कि आपने ड्यूटीज और टैक्सेस के अंतर्गत भिन्न भिन्न जीएसटी लेजर्स बनाए हैं और उनमें जीएसटी रेट्स प्रदान किए हैं परंतु आपने ट्रांजैक्शन में टैक्स रेट्स के साथ कन्फिगर किए हुए जीएसटी लेजर्स के साथ वे स्टॉक आइटम्स चुनी हैं। जिसमें जीएसटी रेट्स भी प्रदान किए हुए हैं ऐसे मामले में जब आप जीएसटी खाता वही का चयन करते हैं तो जीएसटी राशि की गणना नहीं होती है टैक्स एनालिसिस देखने के लिए ऑल्ट ए दबाएं। अब विस्तृत रिपोर्ट देखने के लिए ऑल्ट एफ फाइव दबाए इस मामले में 18% प्रतिशत दर वाले स्टॉक आइटम का चयन किया जाता है हालांकि जीएसटी खाता बही में जीएसटी रेट्स भी होता है इसलिए जीएसटी राशियों की गणना वाउचर में नहीं की जाती है एस्केप अब ट्रांजैक्शन में बिना जीएसटी के विवरण वाले जीएसटी लेज़र्स चुनते हैं जीएसटी राशियों की गणना की जाती है हालांकि यदि आपने स्टॉक आइटम में जीएसटी रेट्स निर्दिष्ट नहीं किए हैं तो आप सही जीएसटी रेट्स वाले जीएसटी लेजर का चयन कर सकते हैं और जीएसटी की गणना हो जाएगी अब देखते हैं कि क्या होता है जब पार्टी असेसी ऑफ अदर टेरिटरी कॉन्फ़िगर किया होता है जब पार्टी असेसी ऑफ अदर टेरिटरी होती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई अदर टेरिटरी होती है यदि आप एस जी एस टी और सी जी एस टी लेजर चुनते हैं तो टैक्स की गणना नहीं होगी आपको आई जी एस टी लेजर का चयन करना होगा जी एस टी राशि की गणना की जाती है परंतु यदि आपने पार्टी को गलती से एस ऑफ अदर टेरिटरी कंफिगर किया है तो लेजर में जाकर उस विकल्प को अक्षम करें। इसके बाद आप सी और एस जी का उपयोग ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं अब शायद आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत जीएसटी लेजर्स बनाए होंगे ऐसे मामलों में जीएसटी राशि की गणना स्वचालित रूप से नहीं होती सुनिश्चित करें कि जीएसटी खाता बही ड्यूटीज और टैक्सेस के अंतर्गत कॉन्फिगर किया गया है एक्सेप्ट द मास्टर्स एंड सेव जी एस टी स्टेटस ऑफ द वाउचर्स के लिए यू दबाए ट्रांजेक्शन में जी एस टी राशियों की गणना की जाती है आपने शायद लेजर या स्टॉक आइटम को आर सी एम के लिए कंसिडर किया होगा और इसीलिए जी एस टी की गणना नहीं होगी मान लीजिए कि आपने वाउचर में उपयोग किए हुए लेजर या स्टॉक आइटम में आर सी एम सक्षम किया था ऐसे मामलों में जी राशि की गणना नहीं की जाएगी क्योंकि आर वाली वस्तुओं की खरीदी पर खरीदार जी का भुगतान करता है वाउच क्रिएशन स्क्रीन में टैक्स एनालिसिस देखने के लिए ऑल्टे दबाए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह राशि रिवर्स चार्ज के लिए उपयुक्त है उपयुक्त स्टॉक आइटम्स को ऑल्टर करें एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज को नो no सेट करें लेजर को सेव करने के लिए कंट्रोल ए दबाए वाउच और ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में जी की सही राशि की गणना हो जाती है जैसा कि आपने देखा टाली प्राइम में खुद ब खुद जी की गणना न हो पाने वाली समस्या को आप सरलता से हल कर सकते हैं इसके अलावा यदि जी की राशि गलत गणित होती है तो भी आप समस्या को हल कर सकते हैं धन्यवाद टाली प्राइम सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्थ डॉट टाली डॉट कॉम पर जाए नवीनतम वीडियो के लिए टाली सोल्यूशन्स चैनल को सब्सक्राइब करें